more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News. अब स्वर्णा का फोन आता है जैसे ही कार्तिक को, तो वो उसको बोलती है कि वो कितने दिनों तक मुंबई के होटल में रहेगा। इससे बेहतर ये ही रहेगा कि वो किसी घर में ले ले जगह, जहाँ पर वो बोलती है उसको एक घर खरीद लेने को। ऐसे में अब कार्तिक भी जहाँ पर उस सोसाइटी में होके आ चुका है और उसको वही सोसाइटी मालूम है पूरे मुंबई में, और वो पहुँच जाएगा अपना बोरिया बिस्तर लेकर अब नायरा की सोसाइटी में ही, जहाँ पर अब आप देखेंगे कि ऐसे उस सोसाइटी में बिना ये जाने कि नायरा भी यहीं की नेबर है, वो रहने लग जाएगा उस सोसाइटी में। और नायरा को भी इस बारे में जैसे ही मालूम पड़ेगा तो वो भी शॉक रह जाएगी कि कार्तिक तो उसके साथ वाला फ्लैट ही लेके रहने लग गया है। और ऐसे में कार्तिक भी रह जाएगा हक्का बक्का। जहाँ देखना यह है कहानी में कि दोनों एक दूसरे के कैसे करीब आते हैं पूरे वक्त साथ रहकर, क्या नायरा और कार्तिक के बीच में नैतिक सब कुछ निपटा पाएगा और दोनों को मिलवा पाएगा एक बार फिर से, ये सब देखना होने वाला है काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आगे कहानी में। और क्या कुछ नेबर बनकर कार्तिक करता है नायरा के साथ और कितनी मदद करती है नायरा उसके मुंबई में रहने को, ये देखेंगे आप आने वाले एपिसोड्स में। और दोनों एक दूसरे के करीब आएंगे जहाँ दोनों को एकदम से फिर से शुरुआत मिलेगी अपने नए प्यार की। टॉप न्यूज़ की रिपोर्ट। For more details, subscribe our channel and please hit the bell icon so you never miss an update from Top News.